हेलो भाभी, ओके मत बोलो, बेवड़ी भाभी। सेंटा सेलिब्रेशन अभी तक चला हुआ है, ये तो आजकल हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है ये। हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस आप देख रहे हो वेदी व्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो गाइस भाई, स्वागत आपका नए व्लॉग में। और भाई आज मैं जा रहा हूं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जाऊंगा शिमला, जैसा भी प्लान होता है मैं बताता हूं। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं भाई मैं और भैया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फिर आपको मिलते हैं आगे, आज चंडीगढ़ में भाई पूरा एंजॉय करेंगे। ट्रेन आ गई भाई हमारी, चलते हैं अब, वरना कभी ट्रेन निकल जाए। तो भाई चल पड़ी हमारी ट्रेन, और देख लो सुबह सुबह घूम रहे हैं लोग, वहाँ पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रेन गंदी थी भाई, देख लो अखबार बिछा के लेटेंगे साहब जी। सुबह सुबह यार ट्रेन गंदी है पावे, सारी सीट गंदी हो रही है। तकिया लगाओगे इसका? पूरा इंतजाम करा के है। बाकी पानी पत्ता ही ना ठीक टाइम पे पहुंचा दिया भाई। अरे भैया है भाई, वाह फ्री जल सेवा, ये भाई को देते फ्री पानी पियावे यार, एक नंबर गया भाई। कितना है पानी भरो, बोतल हम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ठीक टाइम पे पहुंचाया है ना, 7:10 पे। ओ भाई अपना हरियाणा का स्टार, आन बान शान पानीपत का नीरज चोपड़ा। भाई जाते जाते कुछ हुआ है आगे, तो देखते हैं क्या हुआ है। हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, धुंध इतनी है दिखेगा ही नहीं। तो गाइस भाई चंडीगढ़ उतर गए हैं, और जो ट्रेन रुकी थी वो गौ माता आ गई थी ट्रेन के नीचे, और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो फिर देखते हैं भाई आगे कहाँ घूमेंगे चंडीगढ़ में। और यो है भाई पटाखू बड़का का ऐप बायजूस, फ्रेम प्रमोशन कर दिया है, पेमेंट करवा दियो मेरी। पैसा ही पैसा होगा। और रॉक गार्डन में सिर्फ ऐसे ही पुतले मिलेंगे आपको, कोई फायदा नहीं जाने का, जाओ तो जाओ आपकी मर्जी है। 20 रुपए में खाना चंडीगढ़ रेड क्रॉस की तरफ से, 20 रुपए में खाना। तो रेलवे स्टेशन पे भाई, और हम यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी में 20 रुपए में 6 रोटी सब्जी और अचार दे रहे हैं। तो हमने पूछा कि मतलब क्यों, चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने भाई बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है ज़रूरतमंदों के लिए। भाई हमने भी टेस्ट किया क्योंकि भूख भी लगी थी और फिर बताना भी था, तो भाई बहुत बढ़िया खाना था, बिल्कुल घर जैसा था, और 20 रुपये तक कुछ भी नहीं आता। बढ़िया भाई, ऐसे ही हेल्प भी करनी चाहिए, अगर आप खाना सको तो लेके किसी को दे दो, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है आप अपनी जेब से 20 रुपये तो दे ही सकते हो। तो बढ़िया भाई, खाना तो एक नंबर है घर का। तो अब करते हैं भाई बस का वेट, और फिर चलते हैं कहीं होटल वोटल, शाम को जाएँगे कहीं घूमने। तो देखते हैं फिर कितनी देर में आती है बस। ऑटो मत लेना भाई, ऑटो बहुत महंगी है यहाँ, बसें बहुत सस्ती हैं, 10-15-20 रुपये में पहुँचा देंगे ऑटो, यही 200-300 रुपये ले लेंगे। तो गाइस भाई ये लिया है रूम, JKS होटल, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही है, और ये काफ़ी अच्छा रूम है, अफोर्डेबल प्राइस में भी है, और बैल्कनी वगैरह भी अच्छी हैं। तो फिर थोड़ी देर आराम करके और फिर चलते हैं हम अपना मॉल में। तो भाई हम निकल गए हैं, शाम हो चुकी है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हम निकल गए हैं भाई अपना बस स्टैंड के लिए, और यहाँ से देख रहे हैं वो नहीं मानता, और यहाँ से करीबन होटल से 2 किलोमीटर का रास्ता है बस स्टैंड के लिए, फिर वहाँ से मॉल जाएंगे। तो भैया से पूछते हैं कि भैया को कैसा लग रहा है चंडीगढ़ में आके। भैया मज़ा आ रहा है चंडीगढ़ में? बहुत ज़्यादा ठंड है। हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंड कहाँ है? हल्की नहीं यार, बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हल्की हल्की बारिश हुई है भाई, लेकिन हल्की हल्की हवा लग रही है और मज़ा आ रहा है, पूरे इंजॉय हो रहे हैं। और वो भाई रुक गए हैं, तो देखते हैं। गुस्सा हो गया वो भाई, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया भाई। हेलो ब्रदर, क्या चैनल है अपना? वेदी व्लॉग्स। इलांटे मॉल बोल रहे हैं, मनाली में तो हो रही है, शिमला में मुश्किल है, मनाली थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। लो भैया हम आ गए चंडीगढ़ इलांटे मॉल, और अब यहाँ जहाँ तक है सबका यहाँ फोटोशूट जरूर मिलेगा जो यहाँ आया होगा, रात में बेहतरीन दिखता है।
दिन में नहीं दिखता इतना, क्योंकि ये आई लव चंडीगढ़, ठंड ज़्यादा है वरना नहाता मैं इसमें, मज़ा आ जाता, एक्सट्रीम लेवल फुहारा है। ये है भाई वो जो स्वर्ग में परियां लेके जाती हैं, यहाँ से होके जाती हैं वो इसमें बिठा के। मोनू भैया को भाई अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई शाबाश मॉल में और वो फोटो ले रहे हैं। कैसा लगा गर्लफ्रेंड से मिल के? हेलो भाभी। ओके मत बोलो, बेवड़ी भाभी। लो भाई एंट्री होगी मॉल में और सबसे प्यारी चीज देखी है एंट्री में ही, वाओ यार। हेलो हेलो हेलो, बेइज्जती कर दी, गजब बेइज्जती है। सेंटा सेलिब्रेशन अभी तक चला हुआ है। हेलो मॉल में चलती ट्रेन 150 रुपए में 6 मिनट का राउंड है। क्या व्यू है, पूरा मॉल दिखाई दे रहा है और वो है हयात रेज एजेंसी, वो बहुत महंगी होगी भाई। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. भाई क्यों है ये इतना महंगा मॉल? पहले तो देखो, ये मेरी विदेशी वाली बहन, थैंक यू गर्ल्स। कुछ भी 8,000 से जैकेट स्टार्ट है, 7,000 से सेंट स्टार्ट है और लास्ट 3.5 लाख का LCD LED है डिस्प्ले में। ओ भाई साहब कितना महंगा है यार यहाँ, लेकिन हमको लेनी नहीं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं मॉल घूमने, न्यू ईयर अपना बनाने। ओ मां गो टू रू लव, जूते के फीते बांध रहा है ये, अभी से बांधने चाहिए भाई। अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करो, ढेर सारा प्यार करो, ताकि वो और किसी के पास ना जाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। एलांटे मॉल में घूम रहे हैं और ये भाई इसके बारे में कुछ विकिपीडिया पे पढ़ा था मैंने। विकिपीडिया पे नॉर्थ इंडिया का 7th largest मॉल बता रहा है और इंडिया का 10th largest मॉल है, और अलग अलग साइटों पे अलग अलग है, बाकी विकिपीडिया पे ज़्यादा विश्वास होता है तो वो ठीक है। ये 6,000 लीटर कुछ तेल खाता है मतलब डेली, और मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, 3-4 फ्लोर है इसमें और सभी पे दुकानें हैं, और बहुत बड़ी वो है ये मार्केट, मतलब बहुत ज़्यादा दुकानें हैं इसलिए, और करीबन इसकी 17,080 करोड़ रुपए की वो है ये टोटल इसकी मतलब प्राइस, और 10 लाख स्क्वायर फीट में है ये पूरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ये तो आजकल हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है ये। अब ये लड़की बोलेगी सारे मिल को हमको पागल बना रहे हैं साले, सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। और आपने Sector 62 वाली मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने सीधी छड़ी पकड़ ली थी 2 बार और उसने बोला भाई ये मत करो यार। फन सिटी, बड़े हथौड़े वाली जगह आ गए हम, यहाँ प्यारी सी गुड़िया बैठती होगी कोई। ले 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 ले। Well done. पिछली बार यहाँ लड़कियाँ चिल्ला रही थी इस पे, ऊपर तक जाता है लड़कियाँ चिल्ला रही थी बहुत भयंकर वाली। अगर पीछे चंडीगढ़ की आपने वीडियो देखी हो तो मेरी, देखते हैं भाई कितना पहुँचाएंगे ऊपर। हल्का थोड़ा दे रखा है, लोहे वाला दो, लोहे वाला लग रहा है इनसे तो कुछ नहीं जाएगा। ओ भाई साहब मारा तो तेज है, कहाँ तक गया मीटर? 592 रह गया। किसी को कंगाल होना है तो भाई सारे ATM है यहाँ, अपना पैसे निकलवाओ और कंगाल होते रहो। तो करते हैं भाई इस ट्रेन को और इस मॉल को बाय बाय, बाय बाय सेंटा, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली गुड्डा। मैसी का वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको एक प्यारी सी बहुत शानदार चीज दिखाता हूँ भाई, एक नंबर का शोरूम है भागुत्ती का, भागुत्ती सॉरी 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 बुगाटी। ये मॉल से आए हैं और अब करते हैं भाई इस व्लॉग का। भैया वहाँ गए थे अंदर कुछ दवा लेने, तो आके बोला, मैं कहा भैया मिली? तो बोले कि 90,000 बता रहे हैं। मैं कहा हैं मॉल की दवाई 90,000 की? मैं कहा अरे भाई स्टोर नहीं लेना। तो फिर बाद में बताया कौन से जूते थे जो 90,000 के जूते थे। 90,000 के जूते मॉल में, अरे भाई गोहाना आओ मॉल वालों,
1400-1500 में ब्रांडेड शूज दिलाऊंगा, ब्रांडेड, चाय फ्री मेरी तरफ से। तो भाई अगर आपको भाई ब्लॉग में मजा आया हो तो इस वीडियो में मजा आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में। और कल जा रहे हैं फिर हम कहाँ? शिमला। तो देखते हैं भाई वहाँ का सफ़र कैसा रहता है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, राम राम जी, राम राम जी, जय हरियाणवी।